मैं हूं किलीमुला। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से जीन्स की पैंट और डेनिम फैब्रिक की एक्सपोर्ट का कारोबार कैसे किया जा सकता है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि पाकिस्तान से जीन्स की एक्सपोर्ट का कारोबार कैसे किया जा सकता है और इसका स्कोप क्या है? जी कलीमुल्ला, आज आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत शुक्रिया सर। जिसमें आप देखें जीन्स जो है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स का एक मेजर सेक्टर है, जिसके अंदर हम ले रहे हैं जीन्स की पैंटें और उसके साथ साथ हम डेनिम फैब्रिक की बात कर रहे हैं। जी सर, ऐसा ही। तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं उसका तकरीबन 1% जो है पाकिस्तान से जाता है। जी सर, हम समझ लें कि वो एक बहुत बड़े सेक्टर को तो कवर नहीं कर रहे, लेकिन 3 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर जो है उसकी एक्सपोर्ट सिर्फ जीन्स की पैंटें, और दुनिया के जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान से जो है वो जीन्स की पैंटें ले रहे हैं, मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, और पाकिस्तान से ही सारी आउटसोर्सिंग होती है। तो आप इस बात को समझें कि 3 बिलियन डॉलर यानी 3 बिलियन डॉलर सालाना की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से हो रही है जीन्स की मद में या डेनिम फैब्रिक की मद में, और टर्की, बांग्लादेश और उसके साथ साथ इजिप्ट, इनकी जो डेनिम इंडस्ट्री है वो सारी की सारी मेजर आप समझ लें 60% जो टर्की की डेनिम वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है, और वहाँ पर जाके वो वैल्यू एडिशन के बाद पूरे यूरोप को और अमेरिका को सप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर आप बांग्लादेश को देखते हैं तो उनकी 30% जो है वो पाकिस्तान से जा रही है डेनिम, और इसके साथ साथ अगर आप इजिप्ट को देखते हैं तो 18% जो है उनकी पाकिस्तान से डेनिम जा रही है। तो आप इस बात को मद्देनजर रखें कि पूरी दुनिया में जो रॉ मटेरियल की शक्ल में, जो फैब्रिक की शक्ल में ले रहे हैं वो टर्की है, बांग्लादेश है और इजिप्ट है, और ये हमसे डेनिम फैब्रिक लेकर और उसको फिर आगे वैल्यू एडिशन के बाद आगे जीन्स की पैंटें और सो ऑन आगे वो सप्लाई करते हैं। जी सर, पाकिस्तान खुद जो कर रहा है वो तकरीबन 3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में। तो आप इस बात को जहन में रखें कि पाकिस्तान के तकरीबन टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आगे 5 सब सेक्टर्स हैं, जिनमें अगर आप देखते हैं सबसे पहले आ जाता है टेक्सटाइल के अंदर, अगर हम देखें कि क्लॉथ है, और उसके बाद ये आ जाता है यार्न, इसका परसेंटेज कितना है, तकरीबन 19% है जो है इसका शेयर आ जाता है, जो टोटल 100% अगर हम टेक्सटाइल में देखते हैं। उसके बाद कॉटन यार्न के बाद निटेड जो फैब्रिक आ जाता है इसका तकरीबन हमारे पास 20% है, और बेडवेयर का जो है तकरीबन बेडशीट जिसे हम कहते हैं इसका 18% है, और टॉवल जो है वो पाकिस्तान से 7%, और टेक्सटाइल मेडअप्स जो आ जाते हैं जिसमें डिफरेंट अंडर गारमेंट्स आ जाते हैं और उसके साथ से शॉर्ट्स आ जाती हैं, पोलो शर्ट्स आ जाती हैं, और इसी तरह से दूसरे जो मेडअप्स आ जाते हैं, तो वो तकरीबन 6% है। तो अगर हम इनकी सब सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं तो आपने देखा सबसे पहले जो टेक्सटाइल सेक्टर का आ गया ये कॉटन है, यार्न है और क्लॉथ है, ये 28% ये आ गया, निटेड में 20% आ जाता है, बेडवेयर में 18% है, टॉवल में 7% है, और साथ साथ टेक्सटाइल मेडअप्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो 6%। तो ये इन सारी चीज़ों से हमने देखा कि सिर्फ 3 बिलियन डॉलर्स जीन्स की पैंटें जो है और डेनिम फैब्रिक से पाकिस्तान कमा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और अगर इसके अंदर हम देखते हैं तकरीबन है पाकिस्तान की 40 से 50 बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, इसमें अगर हम देखें दुनिया के 10 बड़े जो एक्सपोर्टर हैं, 10 बड़े एक्सपोर्टर पिछले 5 साल का अगर आप डाटा देखते हैं तो आपको ये बात समझ आएगी कि हर मुल्क की डेनिम की एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, 5%, 10%, 8% वो श्रिंक कर रही हैं, लेकिन इन 10 बड़े एक्सपोर्टर में वाहिद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी हर साल जो है डेनिम की एक्सपोर्ट स्मूथली इंक्रीज कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ फैब्रिक क्वालिटी जो है हमारी टॉप की, और प्राइसेस जो है वो बहुत अफोर्डेबल है, तो इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में हमारी डेनिम की डिमांड जो है कम नहीं हो रही बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। तो इस हवाले से अगर हम इस सारे सेक्टर को देखते हैं तो डेनिम में एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। अगर आप एज ए ट्रेडर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप डेनिम में जीन्स की पैंटें हैं और इसके साथ साथ डेनिम फैब्रिक का आप करते हैं, तो छोटे लेवल पर भी इसका काम शुरू हो सकता है, आप फैक्ट्री से सप्लाई लेकर ऑनवर्ड इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ छोटे ऑर्डर भी प्रोसेस किए जा सकते हैं। तो इस हवाले से जो है आपको थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा
इसमें नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रेचेबल होता है, और फिर डेनम फैब्रिक की थिकनेस के हिसाब से होता है। तो आप जिस कंट्री के अंदर काम करना चाहते हैं, हर कंट्री के जो मौसम है उस मौसम के हिसाब से, अगर वहाँ सर्दी है तो वहाँ पर थिक और स्ट्रेचेबल जो है जीन्स का इस्तेमाल होगा, अगर वहाँ गर्मी है तो वहाँ पर थिन और नॉन स्ट्रेचेबल ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। स्ट्रेचेबल आजकल तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं, फ्लेक्सीबल या स्ट्रेचेबल की बात करते हैं। तो इसलिए आप अगर रशिया में काम करते हैं, आज़रबैजान में करते हैं, टर्की में करते हैं, यूक्रेन में करते हैं, मिडल ईस्ट में करते हैं, यूरोप में करते हैं, यूके में करते हैं, अमेरिका में करते हैं, हर कंट्री के साइज़ मुख्तलिफ हैं, हर कंट्री के जो कलर के आ जाता है इसमें, डार्क कलर होते हैं, डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू आ जाता है, उसके साथ साथ ब्लैक कलर्स हैं, तो कलर परसेप्शन और डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, उसके साथ स्टाइलिंग की बात आ जाती है, तो फिर डेनिम फैब्रिक की क्वालिटी की बात आ जाती है, प्राइसेस और वो सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों पे आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको वर्कआउट करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक बहुत बड़ा फील्ड है, और इस फील्ड के अंदर आप एज ए ट्रेडर अगर इन्वॉल्व होते हैं तो छोटे ऑर्डर से प्रोसेस करके आप बड़े ऑर्डर की तरफ जा सकते हैं। जी सर, स्कोप बहुत ज़्यादा है इसमें, और पाकिस्तान बीइंग ए टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कंट्री जो है, इस हवाले से उसकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है और प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं इसकी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान से जीन्स की पैंट की एक्सपोर्ट किन ममालिक को होती है? जी, ये आप देखें, अमेरिका से लेकर कनाडा है, यूके है, उसके बाद यूरोप, जर्मनी आ जाता है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, इटली है, स्वीडन है, ये सारे ममालिक यूरोपियन ममालिक हैं। उसके साथ साथ फिर दुबई आ जाता है, यूएई, यहाँ से फिर आगे एक्सपोर्ट्स होती हैं, री एक्सपोर्ट्स होती हैं। तो जितने भी इंटरनेशनल मार्केट हैं मेजर, उसमें आप ये देखें कि आप दुनिया के सेकंड बड़े एक्सपोर्टर हो, जी सर, दुनिया के दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है डेनम के अंदर पाकिस्तान, चाइना के बाद पाकिस्तान दुनिया में दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है। तो अब पूरी दुनिया को आपके एक्सपोर्ट जा रहे हैं, जिनमें 10-15 बड़े ममालिक मैंने आपको बता दिए, जी सर, बिल्कुल अमेरिका ऐसा से ही है। लेकर जो है आप यूके और उसके साथ साथ यूरोप के मेजर कंट्रीज को आप सारा पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी रेपुटेशन है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और डिमांड इस वजह से जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। जैसा कि आपने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट के हवाले से बताया, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दुनिया में बड़े इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं? जी, मैंने जैसे बताया कि इम्पोर्टर्स तो ऑलरेडी जैसे यूके है, अमेरिका है, जी और सर, कनाडा है, उसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाते हैं, फिर आगे अगर जापान की बात करते हैं या दूसरे, तो ये जो बड़े रिच कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान से बेसिकली ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। जी सर, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि दुनिया में एक्सपोर्टर कौन से बड़े ममालिक हैं, जी तो सर, ये एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग डाटा होगा जिसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले नंबर पर अगर हम देखते हैं कि तो चाइना है, जो जो एक्सपोर्ट्स डेनम की और उसके साथ साथ जो है ये जीन्स पैंटों की जो एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना नंबर वन पे जा रहा है। लेकिन अगर चाइना वर्ल्ड के अंदर अगर हम उसकी सप्लाई का डाटा देखते हैं, तो चाइना दे रहा है नियरली, अगर हम उसको देखें तो 19% जो है, यानी कि पूरी दुनिया की जो डिमांड है उसका 19% चाइना सप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे नंबर पर देखते हैं तो पाकिस्तान है, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो वर्ल्ड डिमांड टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अगर हम पूरे टेक्सटाइल की देखते हैं तो 18% जो है टेक्सटाइल सेक्टर में पाकिस्तान पूरे टेक्सटाइल में दे रहा है। लेकिन सिर्फ अगर डेनम में देखते हैं तो तकरीबन 2% के अराउंड पाकिस्तान दे रहा है डेनम में। लेकिन चाइना भी इसी तरह से, हमने टेक्सटाइल सेक्टर की बात की तो चाइना उसमें दे रहा है तकरीबन 19%। ये एक डाटा है जो मजीद हो सकता है इम्प्रूव हो गया, और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं पाकिस्तान 18%, सिर्फ 1% का फर्क है। उसके बाद चाइना के बाद दूसरा आ जाता है हमारे पास, इसी तरह से पाकिस्तान है, उसके बाद आ जाता है ये इंडिया है, फिर जापान है, स्पेन है, ब्राज़ील है, और इसके साथ साथ है फिर टर्की आ जाता है, हांगकांग है, ये सारे ममालिक हैं। तकरीबन 10 ममालिक हैं जिनके मैं नाम आपको इसी तरह से बता देता हूँ, चाइना है, उसके बाद पाकिस्तान है, इंडिया है, जापान है, स्पेन है, ब्राज़ील है, अमेरिका आ जाता है, और उसके साथ साथ टर्की और इटली भी आ जाते हैं। लेकिन इन सारे ममालिक में सिर्फ वाहिद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी अल्लाह का शुक्र है हर साल एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, डेनिम की एक्सपोर्ट हर साल बढ़ रही हैं। इसी वजह से इस फील्ड में पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस पर रिसर्च वर्क करते हैं और इस पर थोड़ा सा काम करते हैं कि इसमें कौन सी क्वालिटी है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, क्वालिटी की टाइप्स कौन सी हैं, फिर साइजेस कौन से हैं, किस कंट्री में कौन सी जीन्स की ज़्यादा डिमांड है, ब्रांड कौन कौन से हैं,
तो आप डेफिनेटली इसमें एक अच्छा एंट्री दे सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि जैसे जैसे रेडीमेड गारमेंट्स का दौर आ रहा है, जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, तो लोग रेडीमेड गारमेंट्स की तरफ आ रहे हैं। हर साल जो है रेडीमेड गारमेंट्स एक ऐसा सेक्टर है जो ग्रो कर रहा है परमानेंटली, और इसमें ग्रोथ होती जानी, जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ते जानी है वैसे वैसे रेडीमेड गारमेंट्स भी बढ़ते जाने हैं। पाकिस्तान में पहले इसका इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब बड़े शहरों में सारे ही रेडीमेड गारमेंट्स यूज़ करते हैं। पहले वो सारे अपने स्टिचिंग करवाते थे, लेकिन अब ये स्पेसिफिक स्टिचिंग नहीं होती, अब इंडस्ट्रियल लेवल पे होती है स्टिचिंग और उसका रेडीमेड गारमेंट्स का काम होता है। तो पाकिस्तान जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर टेक्सटाइल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और पाकिस्तान से अपने बिजनेस का स्टार्ट करना चाहिए और फर्दर आगे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। माशाल्लाह सर, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से बड़ी अच्छी डिटेल दी है। तो वेलकम सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से बताया है, तो अगर कोई हमारा भाई पाकिस्तान से जीन्स की पैंट की एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसके लिए नई मार्केट्स कौन सी हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऑलरेडी जो जीन्स का काम कर रहे हैं जी सर, तो यूरोप है और अमेरिका, कनाडा, इन ममालिक में तो ऑलरेडी काम हो रहा है, बिल्कुल ठीक है लेकिन सर। हमारे लिए अनसेचुरेशन जो है रशियन सेक्टर आ जाता है। इस साइड पर रशिया है और उसके साथ साथ फिर आजरबैजान है, यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, ये ममालिक बड़े ममालिक हैं जी सर, और ऐसा ही यहाँ होता पर ये मार्केट अभी अनसेचुरेटेड है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे लिए नई मार्केट्स हैं पाकिस्तानियों के है। लिए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। एक तो ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप कह लें कि बैंकिंग का निज़ाम और ट्रेड का सिस्टम जो है वो इतना ओपन नहीं था, अब जो है इसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं, अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी पाकिस्तानियों के लिए भी स्कोप बना है। जी सर, तो मेरे पाकिस्तानी भाई जो किसी भी फील्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनको रशिया पहले नंबर पे देखना चाहिए, कजाकिस्तान है, उसके बाद यूक्रेन है, उसके बाद आजरबैजान है, ये जो ममालिक है चार पांच ममालिक आ जाते हैं, ये एक ऐसी मार्केट है जो नई मार्केट्स हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ की इसमें देते हैं, कोई भी किसी भी तरह की सप्लाई देते हैं, तो बेसिकली आजरबैजान एक ट्रेडिंग कंट्री है, उसके साथ साथ कजाकिस्तान भी मेजर जो है ज़्यादातर इम्पोर्ट्स करता है उसके ऑयल इकोनॉमी, और उसके साथ साथ फिर रशिया जो है वो भी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर उसकी ज़्यादातर इम्पोर्ट्स हैं, वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेडशीट है, टॉवल है, उसके अलावा गारमेंट्स है, इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स होती हैं। तो ये जो नई मार्केट्स हैं इन पर फोकस करने की ज़रूरत है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है, नई मार्केट्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे शॉर्ट सा जानना चाहूँगा सर कि अगर कोई हमारा भाई या इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट का काम करना चाहता है, तो वो किस तरह से जी बाहर ढूंढ सकता है? जी पाकिस्तान में ये डेनम के जो है, डेनम के हवाले से पाकिस्तान में डेनम, पाकिस्तान डेनम मैन्युफैक्चरर जी एंड सर, एक्सपोर्टर एसोसिएशन है। बिल्कुल ठीक हो गया अब सर। जो पाकिस्तान डेनम मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, उसके पास हर तरह का डाटा मौजूद होता है कि वो किन ममालिक को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और किस वॉल्यूम में एक्सपोर्ट कर रहे जी हैं। सर, बिल्कुल ठीक सबसे है। पहला तो सोर्स अगर हम पाकिस्तान में आए तो हमारा रबता उनसे करने का है, और वहाँ पर उनके पास सारा डाटा है, हम उसको रिसर्च करें, जी सर, ठीक है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के किसी भी कंट्री के अंदर जो एम्बेसी है उसमें एक कमर्शियल काउंसलर होता है, जी सर, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्फॉर्मेशन देता है और उसके साथ साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। बिल्कुल तो ठीक है सर। एक तो हम डायरेक्ट भी उससे अप्रोच कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से भी हम डाटा ले सकते हैं किन ममालिक में कौन से होलसेलर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं। बिल्कुल ठीक है इसके सर। अलावा ऑनलाइन डायरेक्टरीज भी हैं, उनसे भी हेल्प ली जा सकती है, और इसके साथ साथ हमारे जैसे एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कंपनीज होती हैं जिसे थर्ड पार्टी कहा जाता है। जी सर, बिल्कुल ठीक जैसे है। हमारा बाइंग हाउस है, हम रशिया में, आजरबैजान में, यूक्रेन में और टर्की में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी सर, बिल्कुल अगर ठीक कोई है। भी बंदा इन चार ममालिक में काम करना चाहता है जिनमें मैंने बताया रशिया है, टर्की है, यूक्रेन है और आजरबैजान है, जी सर, तो यहाँ पर हमारा सेल्स का पूरा नेटवर्क मौजूद है, हमारे बिल्कुल ठीक है। पार्टनरशिप्स हैं। तो पाकिस्तान में लाहौर में मॉडल टाउन लिंक रोड पर हमारा विनेज बाइंग हाउस के नाम से बाइंग हाउस है। जी सर, तो हम ऑर्डर लेने में और उसके साथ साथ सैंपल अप्रूवल और उसके साथ ही शिपमेंट जो है पूरा प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जी जिसमें सर, तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंपल अप्रूवल करवाना, पेमेंट गारंटी देना और जी उसके साथ सर, साथ प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है। बिल्कुल तो ठीक हमारी हो गया। पाकिस्तान में भी टीम मौजूद है, हम वहाँ पर भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ ही हम टर्की के अंदर, रशिया के अंदर, यूक्रेन में और आजरबैजान में
कंपनी सेटअप अगर आप करना चाहते हैं, वेयर हाउस लेना चाहते हैं, स्टाफ हायर करना चाहते हैं, रेजिडेंस से अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस से बनवाना चाहते हैं, तो हमारे पास लॉयर्स के पैनल मौजूद हैं, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। तो आप लोग अगर ऑलरेडी पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं या दुनिया में कहीं पर भी कारोबार कर रहे हैं और आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और आप इसके जो नो हाउ है रखते हैं, क्योंकि देखिए हर बिजनेस के लिए एक बिजनेस माइंडसेट होता है और जो बंदा बिजनेसमैन होता है वही चीज़ समझ रहा होता है। बिजनेस में विन विन सिचुएशन होती है, आप होलसेलर भी कमा रहा होता है, एक्सपोर्टर भी कमा रहा होता है, इंपोर्टर भी कमा रहा होता है, रिटेलर भी कमा रहा होता है, मैन्युफैक्चरर भी कमा रहा होता है। जब तक इस पांच बंदों की चेन में मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, होलसेलर है, रिटेलर है, पांचों के पांचों नहीं कमाएंगे वो बिजनेस नहीं चलेगा। तो इसी तरह से हम 16 से 17 साल से अल्लाह का शुक्र इस मार्केट में हैं, दुनिया में काम कर रहे हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ, उसके साथ साथ हमारा पाकिस्तान में, टर्की में, आज़रबैजान में, रशिया में, यूक्रेन में सेटअप है और हमारे जॉइंट वेंचर्स हैं और हम ये मिलकर एक एज ए टीम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप हमारे से सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आप हमारे नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, कलीमुल्ला से भी रब्ता कर सकते हैं और उसमें हम आपको इंशाल्लाह ताला जो भी होगा, जो कंसल्टेंसी हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आगे जो कंपनी का सेटअप है, लॉयर सर्विसेज हैं, वो सारा हम जो है एक पैकेज की शक्ल में आपको देते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं तो सेल बेसिस पर हम जिन आइटम्स का हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मतलब हम टेक्सटाइल में बेडशीट है, टॉवल है और कुछ जीन्स की पैंटें हैं, गारमेंट सेक्टर में उसका काम कर रहे हैं, फूड आइटम में बासमती चावल आ जाता है, रेड चिली आ जाता है और हल्दी, ये कुछ आइटम्स हैं जिनका हम फूड आइटम में काम कर रहे हैं। तो अगर इन आइटम का आप काम कर रहे हो, हमारे साथ नेटवर्किंग करना चाहते हो, तो हम आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जिन आइटम्स का हम काम नहीं कर रहे, आप उसका ऑर्डर प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो हम 10% से लेकर 30% तक आपसे आपकी शिपमेंट क्लियर होने के बाद एट द एंड, शुरू में आपसे कुछ चार्जेस नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आपकी शिपमेंट सारी फाइनल हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, पेमेंट हो जाती है, तो मुनाफे में से 30% हम लेंगे, 70% आपका होगा और वो भी एट द एंड होगा, शुरू में हम कुछ चार्ज नहीं करते। तो ये हमने एक सर्विस इन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाई है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह।